आज मैं बात कर रहा हूँ आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया के बारे में, जिसमें आपको आलू की कोड़ाई से पहले उसके पौधों को जड़ से काटकर उस खेत से हटा देना होता है। हमें पता है कि अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया होगा तो आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जिस पौधे को इतना मेहनत करके आपने इस अवस्था तक पहुँचाया है, हम उसे काटने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऐसा करने से आपकी फसल को काफ़ी फायदा होता है। सामान्यतः आलू की किस्म, बुआई का समय और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार आलू की मुख्य फसल 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इसलिए अच्छी आलू पाने के लिए किसानों को फसल उखाड़ने या कोड़ाई करने से पहले कुछ प्रक्रिया करने की सलाह दी जाती है। आलू को उखाड़ने से पहले किसानों को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कंदों को उखाड़ने से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें और खेत की मिट्टी को थोड़ा सूखने दें। इससे कंदों के छिलके मोटे और कड़े हो जाते हैं और उखाड़ते समय या उखाड़ने के बाद छिलकों के छिल जाने के कारण आलू खराब नहीं होंगे। आलू में मिट्टी के चिपकने की समस्या भी नहीं होगी। छिलके मोटे होने के कारण और उसमें मिट्टी नहीं चिपकने के कारण कंदों में बीमारी के रोगाणु अंदर नहीं जा पाते हैं और ऐसे रोगमुक्त आलू को ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। किसानों को यह काम जरूर करना चाहिए। अगर संयोगवश कोड़ाई से पहले बारिश हो गई हो तो खेत को सूखने के बाद ही उसकी कोड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बात, फसल के 100 दिन हो जाने के बाद यानी फसल के पक जाने की अवस्था में जब 2/3 से ज़्यादा पौधे की पत्तियाँ और तने पीले पड़ जाएँ तो पौधों को ज़मीन से सटाकर हंसिए से काट देना चाहिए। आमतौर पर यह काम अंतिम सिंचाई के बाद या फसल उखाड़ने के 2 हफ्ते पहले किया जाता है। इससे आलू के कंद मिट्टी के अंदर अच्छे से पक जाते हैं और उनके छिलके कड़े होने लगते हैं। पौधे को काट देने से पत्तियों और तने पर लगी बीमारियां कंदों में नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए कंद स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा उनकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है और ऐसे कंद बीज के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर किसान अपना बीज रखना चाहता हो तो उसे ये प्रक्रिया ज़रूर करनी चाहिए। कटे हुए तनों को खेत में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो इसमें लगी हुई बीमारी के रोगाणु आलू के कंद और मिट्टी में फैल सकते हैं। इसलिए काटे हुए पौधे को तत्काल खेत से निकाल देना चाहिए और उन्हें कंपोस्ट में डालकर खाद बना लेना चाहिए। आलू की कोड़ाई से 2 हफ्ते पहले पौधों को जमीन से सटाकर काट देना चाहिए। इससे पत्तियों और तनों में लगी बीमारियां कंदों तक नहीं पहुंचती, इसलिए आलू के कंद स्वस्थ रहते हैं और उनकी भंडारण क्षमता भी बढ़ जाती है।